और एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है कि विदेशी तकनीकी कैसी है। मैं आपको दवाओं के क्षेत्र में कुछ कवाब बताना चाहता हूं। चिकित्सा के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में अक्सर हमको ये सुनने को मिलता है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी दवाएं बनाकर ला रही हैं, उन दवाओं को भारत में बेचा जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ये दवाएं बहुत हाईटेक हैं, हाई क्वालिटी। मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि दुनिया के देशों में जो जो दवाएं 20, 25, 30 साल से बंद हो चुकी हैं, जिनको जहर घोषित किया गया है, जिनको ए क्लास पॉइजन, बी क्लास पॉइजन डिक्लेयर कर दिया गया, जो बहुत ही खतरनाक जहर हैं, ऐसी दवाएं लाकर विदेशी कंपनियां भारत में बेचती हैं और हजारों करोड़ रुपए लूटती हैं, उसका मुझे बहुत दर्द है। मैं 1947 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो पता चला विदेशी कंपनियां मात्र 10 करोड़ की दवाएं बेचती थी इस देश में 1947 में। अब 2009 आ गया तो विदेशी कंपनियों की दवाएं जो उनके व्हाइट मनी में है, उनकी बैलेंस शीट में है और उन्होंने जो अपने आंकड़े दिए हैं वो 70,000 करोड़ के हैं। माने 70,000 करोड़ की दवाएं आज वो भारत में बेच रहे हैं और इनमें से अधिकांश दवाएं ऐसी हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। मैं आपको भारत देश के एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे, उन्होंने एक कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी जिसको जस्टिस हाथी कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े बताता हूं। उन्होंने बताया हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिकों की और भारत के कुछ विधि विशेषज्ञों की, कानून के जानकारों की एक समिति बनी थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस हाथी। उन्होंने बताया कि भारत में जितनी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथी की मात्र 117 दवाओं की जरूरत है, मात्र 117। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमारे देश में इस समय एलोपैथी की 84,000 दवाएं बिक रही हैं, जरूरत सिर्फ 117 दवाओं की है। कितना बड़ा अत्याचार और अन्याय इस देश पर हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करता हूं। WHO कहता है कि भारत की सभी बीमारियों का इलाज करने के लिए 250 अधिक से अधिक दवाओं की जरूरत है, कम से कम 117, अधिक से अधिक 250, और इस देश में 84,000 दवाओं के फॉर्मुलेशन बिक रहे हैं जो बिल्कुल बेकार है, आपके किसी काम के ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि जो दवा आप खा रहे हैं किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर लिखी हुई, वो दवा आपके काम ही नहीं आने वाली है। और इससे भी ज्यादा दुख और अफसोस है कि जो काम नहीं आए दवा, वहां तक तो समझ में आता है, जो दवा आपके शरीर को हानि पहुंचाए, दुष्परिणाम करे, आपकी किडनी खराब कर दे, आपका लीवर खराब कर दे, आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म कर दे, ऐसी खतरनाक दवाएं भी हम खा रहे हैं इन विदेशी कंपनियों के द्वारा जो बेची जा रही। कुछ दवाओं के नाम लेके बताता हूं। दवाओं की संख्या अब तक जो हमारे पास आ पाई है, हमने अभी तक 5,000 दवाओं को लिस्ट किया है। 5,000 हैं, 84,000, ध्यान रखिएगा, 84,000 दवाएं बाजार में हैं। इनमें से सिर्फ 117 काम की हैं, बाकी सब बेकार हैं। जो बेकार की दवाएं हैं उनमें से 5,000 को अभी तक लिस्ट कर पाए हैं, सूची बना पाए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख दवाओं के नाम मैं लेना चाहता हूं जिन्हें अक्सर हम खरीद कर खाते रहते हैं और वो दुनिया के कितने देशों में बंद हैं और वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती। मैं एक दवा है जो बहुत ज्यादा इस देश में इस्तेमाल होती है, ऑक्सीफन बूटाजोन। एक दवा है फिनाइल बूटाजोन। एक दवा है उसका नाम है एक्टिमाल। एक दवा उसका नाम है एल्जीरियल। एक दवा है उसका नाम है बूटा कार्डिडान। एक दवा है बूटा प्रोक्सीवॉन। ये 7 दवाएं हैं जो ब्रिटेन में, पश्चिमी जर्मनी माने जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, फिनलैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में, इसराइल में, जॉर्डन में और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में भी बंद है। बांग्लादेश में बंद है ये 7 दवाएं जिनके नाम मैंने, और 20 साल से बंद है, आज से नहीं, 20 साल से बंद है। बांग्लादेश भी जिन दवाओं को बिकने नहीं देता अपने यहां, इसराइल जैसा देश बिकने नहीं देता, जॉर्डन जैसा देश बिकने नहीं देता, फिनलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में वो दवाएं नहीं बिकती, अमेरिका, जापान, इटली, स्वीडन, जर्मनी में कहीं नहीं बिकती, वो भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं ये 7 दवाएं।
और इनके दुष्परिणाम क्या है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दवा की थोड़ी सी खुराक, 3 या 4 खुराक ही काफी है कि आपकी अंतड़ियों में घाव हो जाए। इन दवाओं को लेने से रक्त का कैंसर होने की पूरी संभावना होती है और अब तक हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इन दवाओं को खा के। लेकिन ये दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं, विदेशी कंपनियों के नीचे बेची जा रही है। इसी तरह से मैं और बताता हूं, एक दवा है इस देश में, उसका नाम है ऑक्सीपोज। एक दवा है उसका नाम है सुग्रिल। एक है ऑक्सीजोन, एक है पैराबूटाजोन, एक है क्यूलोक्विनोल, एक है एम्बिक्विनोल, एक है एलिकिन, एम्बिजाइन फोर्ट, एमिक्योर, एमिक्विल और एमिजील प्लस। ये सारी दवाएं, ये करीब 7-8 दवाएं हैं, जापान में बंद है, नॉर्वे में बंद है, स्वीडन में, जर्मनी में, डेनमार्क में, नेपाल जैसे देश में ये दवा बंद है, फिलीपींस में बंद है, स्पेन में, फ्रांस में, श्रीलंका में, और भारत में धड़ल्ले से बिक रही। इन दवाओं का दुष्परिणाम क्या है? पैर में लकवा मार सकता है, शरीर में लकवा मार सकता है, आप अंधे हो सकते हैं, अंधे होने का खतरा बना रहता है और 10,000 से ज्यादा लोग इन दवाओं को खाकर लंगड़े और अंधे हो चुके हैं, फिर भी धड़ल्ले से ये बिक रहे। इसी तरह से एक दवा है एनलजिन, आप खूब अच्छे से नाम सुनते हैं एनलजिन, फिर बैरालगन, फिर बूटाजोन, फिर बुस्कापान, फिर बूटालजिन, फिर फारजेसिक, फिर मालार्जिन, ऑक्सीपोज, सिनालजेसिक। ये दुनिया के 20 देशों में बंद हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रहे। इन दवाओं का क्या है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनके बनने की गति को ये दवाएं इतना धीमा कर देती हैं कि मरने की तैयारी हो जाती है आदमी की। मांसपेशियों की संरचना में भयंकर विकार उत्पन्न कर देती है और इसका व्यक्ति सेवन करके अंत में मर ही जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी मैंने, ये लंबी लिस्ट है, पूरी नहीं सुना सकता, लगभग 5,000 दवाएं हैं जो भारत में अनेक अनेक विदेशी कंपनियां धड़ल्ले से बेच रही हैं और इसका व्यापार करके हजारों करोड़ लूट रहे हैं, 70,000 करोड़ रुपए वो लूट रहे। और महत्व की बात यह है कि हाथी कमीशन ने जो 117 दवाओं को जरूरी दवाएं बताया था, आवश्यक दवाएं बताया था, उनमें से कोई भी विदेशी कंपनी उत्पादन नहीं करती उनको। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो 117 जरूरी दवाएं हैं, आवश्यक हैं, उनका उत्पादन सब स्वदेशी कंपनियां करती हैं, भारतीय कंपनियां करती हैं, हमारी कंपनियां उनका उत्पादन करती हैं, विदेशी कंपनियों का उनको उत्पादन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कारण क्या है? उन 117 दवाओं के कीमतें ज्यादा नहीं रख सकते, सरकार उस पर कई बार कंट्रोल कर लेती है, जनहित में सरकार उनको जो है ना ऑर्डर डाल देती है, तो विदेशी कंपनियों को थोड़े मुनाफे में संतोष नहीं है, ज्यादा मुनाफा उनको उन्हीं दवाओं में मिलता है जो सरकार के कंट्रोल के बाहर है। तो जितनी भी बेकार की दवाएं हैं वो कंट्रोल के बाहर हैं, इसलिए उनको बना के ये धड़ल्ले से बेचते हैं और बहुत मुनाफा कमाते हैं।